channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, I am going to start the introduction about parallel lines, transversals and angles made by transversals with two lines. ठीक है, ये है आपका chapter number 14, lines and angles. सबसे पहले हम देख लेते हैं parallel lines क्या होती हैं. Two lines L and M in the same plane are said to be parallel line if they do not intersect when produced indefinitely in either direction, and we write L parallel M, which is read as L is parallel to M. यानी कि two lines जिनको हम इस तरीके से draw करें कि उन्हें हम कितना भी draw कर लें in both directions, यानी कि दोनों ही direction में, but वो आपस में कभी भी meet नहीं करेंगी और उनके बीच का जो distance है वो हमेशा same रहेगा. ठीक है, इसलिए जब हम दो लाइंस को आपस में पैरेलल बताते हैं तो क्या बताएंगे कि जैसे हमने यहाँ पे दो लाइंस ली हैं एल और एम, तो एल पैरेलल है एम के एंड एम पैरेलल है एल के. ठीक है, उसी तरीके से आपकी पैरेलल रेज होती हैं, तो टू रेज आर पैरेलल इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल. यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक जहाँ भी हम इनको ड्रॉ करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे. इन अदर वर्ड्स, टू रेज इन द सेम प्लेन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली बियॉन्ड देयर इनिशियल पॉइंट. ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉइंट की तरफ से तो हम इसको नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, बट इनिशियल पॉइंट के बियॉन्ड, उसे आगे हम उसको जितना भी इंक्रीज करेंगे तब भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, उसके बाद है इसी तरीके से पैरेलल सेगमेंट्स. तो टू सेगमेंट्स आर पैरेलल इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल. यानी कि ये लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक लाइन का पार्ट होती है. तो अगर वो लाइन आपकी पैरेलल है तो उससे रिलेटेड ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी. इन अदर वर्ड्स टू सेगमेंट्स विच आर इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस आर सेड टू बी पैरेलल. यानी कि अगर टू लाइन सेगमेंट्स हैं सेम प्लेन में और उनको हम एक्सटेंड करें दोनों डायरेक्शन में और वो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं तो वो भी क्या कहलाती हैं, पैरेलल. ओके, इसी तरीके से वन सेगमेंट एंड वन रे आर पैरेलल इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल. एक लाइन सेगमेंट और एक रे को भी हम इस तरीके से पैरेलल बता सकते हैं अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाइए ट्रांसवर्सल्स पे. तो ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर गिवन लाइंस इन अ प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइंस. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने देखे कई सारे फिगर्स बना रखे हैं, टू लाइन सेगमेंट्स को एक टू लाइंस को कोई एक लाइन टू डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो जो एल है वो इन दोनों लाइन की क्या है, ट्रांसवर्सल है. ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स में हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल्स को ड्रॉ करके दिखाया है. उसके बाद है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ टू लाइंस. अब टू लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स बना सकती है वो हम यहाँ देखेंगे. इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट द एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विथ टू गिवन लाइंस. सम ऑफ दिस एंगल्स कैन बी पेयर टूगेदर बाई वर्च्यू ऑफ द पोजिशन दे ऑक्यूपाई. यानी कि जब दो लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल कट करती है या इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं. ठीक है, उन एंगल्स को नेम दिए जाते हैं जिस तरीके से वो अपनी पोजिशन को ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे कि यहाँ देखिए, लेट एल एंड एम बी टू लाइन सेगमेंट्स और टू लाइन्स एंड एन बी अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग दैम एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली एज शोन. ठीक है, एल और एम आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, दो सिंपल लाइंस हैं, जरूरी नहीं है पैरेलल ही हो. ठीक है,
और एन क्या है, ट्रांसवर्सल है जो एल को पी पर और एम को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बोले क्लियरली लाइन्स एल एन एम एंड एन मेक 8 एंगल्स, 4 at P एंड द रिमेनिंग 4 at Q। वी लेबल दैम 1 to 8 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड क्लासीफाई दैम इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो हमने क्या किया है, इन एंगल्स को अपनी कन्वीनियंट के लिए कुछ नंबर्स नेम दे दिए हैं 1 to 8। ठीक है, अब इनसे जो भी एंगल्स बनेंगे उन एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टाइप एंगल बन रहा है यहाँ पे वो है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, द एंगल हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट पी क्यू आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू है, इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे एंगल्स हैं वो एक्सटीरियर वाले, एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है, आउटर साइड वाले। ठीक है, तो आउटर साइड वाले एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1 2 7 एंड 8, ये हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सटीरियर, द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड लाइन सेगमेंट पी क्यू आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जिसमें पी क्यू इंक्लूड होगा, जैसे एंगल 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद आ जाइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑन द सेम साइड। ठीक है, यानी कि इनकी जो आर्म होती है वो क्या होगी, सेम साइड में होगी ऑफ द ट्रांसवर्सल्स एंड देयर अदर आर्म्स आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को जो हम राइट करेंगे तो किस तरीके से हमें बताना है कि वो उनका जो माउथ होगा, फेस जो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और उनकी जो आर्म होगी वो भी सेम डायरेक्शन में ही ओपन होगी। जैसे यहाँ पे एंगल 1 के लिए एंगल 5 है कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 है एंड 3 के लिए 7 है। ठीक है, ये सारे आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इफ बोथ लाई आइदर अबव द टू लाइन्स और बिलो द टू लाइन्स। यानी कि लाइन के ऊपर हों या लाइन के नीचे हों, वो एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल के क्या होंगी, अपोजिट साइड में होंगी आर्म्स, एंड हुज अदर आर्म्स इंक्लूड सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा जो ये पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये इंक्लूड होगी, बाकी की जो हमारी जो आर्म्स होंगी अदर एंगल्स की वो क्या होंगी, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में होंगी। जैसे एंगल 3 के लिए एंगल 5 है, ठीक है, देखिए ट्रांसवर्सल एन है, इसकी एक आर्म इस साइड है और इस वाले एंगल की आर्म इस साइड है, और पी क्यू दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 3 के लिए एंगल 5, एंगल 4 के लिए एंगल 6, ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद आ जाइए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड हुज अदर आर्म्स आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डू नॉट इंक्लूड सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इस फिगर को देख के हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमारे जो एंगल्स बने हुए हैं यहाँ पे उसमें क्या, जैसे ये आपकी ट्रांसवर्सल है, और जब हम एंगल्स को आपस में पेयर बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स के लिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के लिए, तो क्या होगा, इस ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शंस में इनके आर्म्स निकली होंगी, और एक्सटीरियर एंगल है इसलिए इसमें पी क्यू सेगमेंट जो है वो
इंक्लूड नहीं होगा। तो एंगल टू का पेयर बनेगा एंगल एट के साथ, बिकॉज हमें साइड्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में शो करनी है, और एंगल वन के लिए हो जाएगा एंगल सेवन। ठीक है, ये हो गए आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ सी द एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, इन फिगर 58 लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एन एम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक लाइन एन दे रखी जो ट्रांसवर्सल है किसके, एल और एम के। तो हमें इन सबको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका, अल्टरनेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन फिगर 58.1। ठीक है, ये आपका फिगर 58.1 है। इसमें आपको अल्टरनेट एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। अल्टरनेट एंगल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो जब भी आपको सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बोला जाए तो ये हमारे लिए कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स। पहला आपका जो पेयर बनेगा वो है एंगल बी जी एच और एंगल सी एच जी। ठीक है, यानी कि एंगल बी जी एच और सी एच जी आपके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पेयर। दूसरा पेयर आपका क्या बनेगा, ए जी एच और डी एच जी। ठीक है, ये हो गए आपके अल्टरनेट एंगल्स। अब हमें राइट करने हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं उनमें जेड बनता है इस तरीके से। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, इसमें जो अंदर वाली लाइन सेगमेंट होती है इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, और जो इनकी एक आर्म होती है वो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए ये वाला एंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, पहले इसको हम राइट कर लेते हैं, एंगल ई जी बी और इसके साथ हो जाएगा एंगल जी एच डी। ठीक है, एक पेयर तो आपका ये बन गया, इसके साथ दूसरा पेयर बन जाएगा आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ई जी ए जी ए और जी एच सी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। ये वाला एंगल जो है आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं बी जी एच एंड एंगल डी एच एफ। ठीक है, और लास्ट पेयर हमारा क्या बनेगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल ए जी एच और एंगल सी एच एफ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एंगल्स अल्टरनेट टू एंगल डी एंड एंगल जी।
तो एंगल डी और एंगल जी हमारे दे रखे हैं यहाँ पर, एंगल डी ये रहा और एंगल जी ये रहा। सबसे पहले हमें इनके अल्टरनेट एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो जब भी सिर्फ अल्टरनेट एंगल बताया जाए तो इसका मतलब है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें Z देखना है, तो Z हमारा देखिए इस तरीके से बन रहा है, यानी कि एंगल D के लिए है हमारा एंगल E, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंगल D और एंगल E, ठीक है। D के लिए एंगल E हो गया, अब G के लिए निकालना है तो G के लिए बी होगा यहाँ पे, क्योंकि ये आउटर साइड का है तो ये भी आउटर साइड का है, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल जी के लिए हो गया एंगल बी, ठीक है। अब हमें निकालने हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स टू एंगल एफ एंड एच। एफ वाला आपका एंगल ये रहा और एच वाला ये रहा, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग निकालने हैं, इट मीन्स इनकी जो एक आर्म होती है वो सेम डायरेक्शन में जानी होती है। तो एफ के लिए हो जाएगा आपका सी, ठीक है, और एच के लिए हो जाएगा ए। तो यहाँ पे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेते हैं। एंगल एफ के लिए है आपका एंगल सी और एंगल एच के लिए है एंगल ए, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका इसका एंगल अल्टरनेट टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर आपका ये दे रखा है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर क्यू एफ, आर क्यू एफ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें फाइंड करना है एंड अल्टरनेट टू एंगल पी क्यू ई, पी क्यू ई, ठीक है। इस फिगर में हमें इन तीनों एंगल्स के, फर्स्ट है आपका पी क्यू आर, उसका अल्टरनेट बताना है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल दे रखा है पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर, तो यहाँ पे आपका इसके लिए अल्टरनेट एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इसके लिए आपको अल्टरनेट एंगल दे रखा है पी कांग्या क्यू आर ए, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पे आपका जेड टाइप का बन रहा है, ठीक है, जगह क्यू आर ए। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर क्यू एफ, आर क्यू एफ आपका ये वाला एंगल है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बनेगा ये वाला, क्योंकि इसकी एक आर्म जो है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर क्यू एफ इज एंगल ए आर बी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका अल्टरनेट एंगल टू पी क्यू ई, पी क्यू ई, तो पी क्यू ई के लिए भी आपका ए आर बी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये भी लिख लेते हैं हम अल्टरनेट एंगल
टू एंगल पी क्यू ई एस एंगल ए आर डी। अब फोर्थ फिगर पे आ जाइए, इसमें आपको क्या बताया है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इन फिगर 58 सेकंड। यानी कि हमें क्या बताने हैं, अल्टरनेट एंगल्स बताने हैं, वो भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स पहले बताने हैं, फिर एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटीरियर वाले कौन कौन से हो गए हैं, ए और ई, बी और सॉरी डी और एफ। यहाँ देखिए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, एंगल एफ के लिए एंगल डी और एंगल ई के लिए एंगल ए, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों। उसके बाद आप आ जाइए, ये अल्टरनेट नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, और ये है आपके एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल जी और एंगल सी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी और एंगल एच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, इन फिगर 59 ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी क्यू एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो ए बी को एल पे और सी डी को एम पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल सी एम क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री है, सी एम क्यू 60 डिग्री है, फाइंड ऑल अदर एंगल्स इन फिगर, ठीक है, अदर एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एंगल है 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल्स हो गए, ये अल्टरनेट इन, ये हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सी एम क्यू इक्वल्स टू एंगल ए एल एम, लिख देते हैं यहाँ पे आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकल आए हैं। उसके बाद आ जाइए एंगल सी एम क्यू और एंगल एल एम डी, एल एम डी ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपके हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल सी एम क्यू इक्वल्स टू एंगल एल एम डी, ठीक है, ये 60 डिग्री है और ये भी आपका 60 डिग्री है, ये हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल सी एम क्यू प्लस एंगल क्यू एम डी, ठीक है, ये हो गया आपके लीनियर पेयर बन गया। तो एंगल सी एम क्यू प्लस एंगल क्यू एम डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर है ये। अब इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपका 60 डिग्री है प्लस एंगल क्यू एम डी हमें नहीं मालूम है। अब एंगल क्यू एम डी हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया और ये वाला एंगल 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एंगल क्यू एम डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी एम एल, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
ठीक है। नाउ सी एंगल क्यू एम डी, क्यू एम डी एम एल बी के भी इक्वल है, एंगल एम एल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये वाला एंगल भी बता दिया 120 डिग्री। ठीक है, अब हमारे रह गए हैं 1 2 3 4 120 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका एंगल एम एल ए या ए एल एम इक्वल्स टू एंगल बी एल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, और लास्ट एंगल आपका बचा है ये हो जाएगा आपका एंगल एम एल बी इक्वल्स टू एंगल ए एल पी इक्वल्स टू 120 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब आपके सारे ही एंगल यहाँ पे फाइंड हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इन फिगर 60 ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी क्यू एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल एल एम डी इक्वल्स टू 35 है, फाइंड एंगल ए एल एम एंड पी एल ए। तो ए एल एम कौन सा है आपका, ए एल एम ये वाला एंगल, और पी एल ए, पी एल ए ये वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एल तो यहाँ पे आपको एंगल एल एम डी इक्वल्स टू 35 डिग्री ये गिवन है। अब यहाँ पे देखिए एल एम डी और एल एम सी लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल एल एम डी प्लस एंगल एल एम सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एल एम डी की जगह 35 डिग्री रख देना है प्लस एंगल एल एम सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल एल एम सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी, 145 डिग्री। अब देखिए एंगल एल एम डी जो है वो इक्वल है एंगल ए एल एम के। ठीक है, ये कौन से एंगल है आपके, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा एंगल सी एम एल इक्वल्स टू एंगल पी एल ए या ए एल पी इक्वल्स टू 145 डिग्री, ये भी आप ये हो गया आपके कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, अ लाइन एन इज ट्रांसवर्सल टू लाइन एल एन एम इन फिगर 61। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइन एन जो है वो एल और एम का ट्रांसवर्सल है। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई द एंगल्स अल्टरनेट टू एंगल 13 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 15 एंड एंगल अल्टरनेट टू एंगल 15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल अल्टरनेट टू एंगल 13। तो अल्टरनेट एंगल टू एंगल 13 इज, अब 13 आ जाइए कहाँ है, 13 आपका ये रहा। ठीक है, 13 ये रहा, यानी कि इस तरीके से आपका जेड बनेगा, तो एंगल 7 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद पूछा है एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 15, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
टू एंगल 15 इज। अब एंगल 15 आपका कहाँ दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका आंसर, एंगल 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है एंगल अल्टरनेटिव एंगल 15, तो अल्टरनेट एंगल टू एंगल 15 इज। एंगल 15 आपका ये रहा और इसका हमें अल्टरनेट एंगल निकालना है। इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 5, ठीक है। ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है इन फिगर 62 लाइन एल पैरेलल एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल। एल और एम पैरेलल है और एन एक ट्रांसवर्सल है इनकी। इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स एंड चेक दैट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमें इसमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला एंगल जो है ये 1 एंगल था, तो हम इनके सारे रिलेटेड एंगल या पेयर्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हो गया आपका वर्टिकली, ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बाद एंगल 40 जो है आपका एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 40 डिग्री। ये हो गए आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल 7 जो है वो आपका एंगल 5 के इक्वल है, ये भी हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हमने जो जो एंगल फाइंड कर लेते हैं उसको डार्क कर लेते हैं। अब एंगल 7 जो है आपका वो एंगल 3 के इक्वल है, ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल 7 एंगल 3 के हो गया। अब एंगल 5 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, नहीं ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री आएगा, यहाँ पे बन रहा है आपका लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल 5 जो है वो आपका क्या दे रखा है, 40 डिग्री है, प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका जो एंगल 6 है वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो ये भी हमारा फाइंड हो गया है 140 डिग्री। अब एंगल 6 जो है वो आपका एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैं यहाँ पे सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स राइट कर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने और कौन सा एंगल रह गया, एंगल 2 और एंगल 8। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ये है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा एक और एंगल रह गया है, वो है आपका एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू 140 डिग्री, ये है आपके एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये सारे हमारे निकल आए। अब हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि हमारे जितने भी अल्टरनेट एंगल्स हैं या जितने भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है अगर हम इनकी वैल्यूज राइट कर ले, ठीक है, तो सबकी वैल्यूज ही हमें इक्वल दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे,
एक बार लिख भी लेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है। जितने भी हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं उन सबको एक साथ लिख लेंगे, और जितने भी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इन फिगर 63 लाइंस एल एन एल पैरेलल एम एंड ए ट्रांसवर्सल एन कट्स देम एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। एल और एम दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है एन जो क्या कर रही है एल को पी पे और एम को क्यू पे कट कर रही है। चल बोल रहा है एंगल वन जो है वो आपका क्या है 75 डिग्री है। ठीक है, फाइंड ऑल अदर एंगल्स, हमें बाकी के एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, एंगल वन जो है आपका एंगल थ्री के इक्वल है 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गई ये। ठीक है, उसके बाद एंगल थ्री जो है वो एंगल फाइव के इक्वल है, ये कौन से एंगल हो गए आपके, अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद आपका एंगल फाइव जो है वो एंगल सेवन के इक्वल हो गया, ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो हमने कौन कौन से एंगल फाइंड कर लिए, 1 2 3। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है ये वाले एंगल्स, तो यहाँ पे हम करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये यहाँ पे आपका लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 105 डिग्री। अब हम आगे चलते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 105 डिग्री, ये आपके बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और एंगल 4 जो है आपका एंगल 6 के बराबर है, ये है आपके अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद एंगल 6 जो है वो आपका एंगल 8 के बराबर हो गया, ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।